सो हेलो दोस्तों, अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ये घड़ी है ऑल न्यू की 2023 का VXI मॉडल, रेड कलर अभी मेरे सामने खड़ा है ये स्विफ्ट का। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार ये लग रहा है रेड कलर में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रेड कलर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार स्विफ्ट का जो रेड कलर है ना वो अलग ही धुएँदार है। मतलब इसका अगर आप लोग ब्लैक रूफ करा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगने वाली है। और VXI मॉडल में क्या क्या फीचर्स आते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। VXI में ये शानदार सी फ्रंट में आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ ये ग्रिल मिल जाती है आपको, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नॉर्मली आपके इसमें हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका इंडिकेटर आ जाता है, यहाँ पर भी आपका सेम वही प्रोसेस रहेगा। और नीचे आपके जो है फॉग लैंप अगर आप लगवाना चाहते हैं तो शोरूम से लगवा सकते हैं, शोरूम से आपके फॉग लैंप 4000 के समथिंग आपके इसमें लग जाएंगे, बिल्कुल आपकी ये ZXI मॉडल बन जाएगी। और साइड में आप लोग देख सकते हैं दोनों ORVM में आपके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं काफ़ी शानदार से। और VXI में टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 165x80 R14 का इसमें आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा। और इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ से खुल जाते हैं, अंदर क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे दोनों साइड के मिरर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल इसमें आपको मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपका ऑटो पावर विंडो मिल जाएगी, यहाँ पर आपका लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, ये आपका चारों विंडो लॉक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। प्लस स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग में इसमें आपको मिलने वाला है टिल्ट, इसमें आपको स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता है। माउंट्स में आपके कंट्रोल्स आ गए हैं, यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का बटन आ गया, ये कॉल अटेंड का कॉल कट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप सॉन्ग प्ले वगैरह कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ये आपका म्यूजिक सिस्टम आ गया है, ये आपके एसी के इवेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और नीचे आपका 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर है जो आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, जूम नहीं हो रहा है। इस तरह से कुछ इसका इंटीरियर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। स्पेस काफ़ी है और ड्राइवर साइड की आपको जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल आपको उसमें मिल जाएगी, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, पीछे भी अभी काफ़ी स्पेस है, सीट पूरी पीछे है, मैं अभी बैठ पीछे बैठ देख लेता हूँ, पीछे भी स्पेस ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, कंजेस्टेड कुछ नहीं है, आराम से इजीली मैं बैठ रखा हूँ। और ये लेग रूम भी, हेड रूम भी इसका काफ़ी ठीक है, पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी। और रियर की अगर हम बात करें तो रियर में आपको कुछ इस तरह से आपको बैक प्रोफाइल मिल जाती है देखने के लिए, इस तरह से कुछ इसके टेल लैम्प्स मिल जाते हैं आपको, और चार आपको इसमें पीछे सेंसर देखने को मिल जाएंगे।